अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत और आप लोग की बेगद दुआओं से आज की इस वीडियो को करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर सरफराज अहमद की वनडे टीम से छुट्टी हो जाती है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला विकेट कीपर कौन होगा। आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या कामरान अकमल की वापसी करानी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि काफी ज्यादा लोग कहते हैं कि कामरान अकमल की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी करानी चाहिए, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या कामरान अकमल अभी भी खेल सकते हैं, क्या अभी भी वो अच्छी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, और सरफराज अहमद से वो क्या अच्छे विकेट कीपर हैं या फिर नहीं। आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ घंटी के अलामत को जरूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए प्यारा सा कमेंट भी आप लोगों ने जरूर कर देना है। मौजूदा कैप्टन सरफराज अहमद की तब्दीली और टीम से निकालने की खबरें तो आप लोगों ने सुन रखी होगी, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है कि उनको टीम से भी निकाल दिया जाएगा। जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सरफराज अहमद को नहीं रखा जाता, उनकी टीम से भी छुट्टी कर दी जाती है, उनको कैप्टनसी से भी हटा जाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया विकेट कीपर और कप्तान कौन होगा। कप्तान तो बाबर आजम होंगे। अगर हम नए विकेट कीपर की बात करते हैं, रीसेंट परफॉर्मेंस जिनकी बहुत ज्यादा की क्या अच्छी, उनमें से आबिद अली सरफहरिस्त हैं, जबकि रिजवान भी इसी फहरिस्त का हिस्सा हैं, लेकिन कामरान अकमल की इन सबसे अच्छी कारकर्दगी क्या बिल्कुल सही सुन रखे गए। कामरान अकमल ने कैथेसम ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजहरा किया, बहुत आला परफॉर्मेंस का मुजहरा कर रखे गए, जबकि आबिद अली हो गए, रिजवान हो गए, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत आला सा रखी है। जबकि सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो सरफराज अहमद की इतनी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से उनको कैप्टनसी से फारिग ना किया जाए, बल्कि उनको कैप्टनसी से फारिग करने का वक्त आन पहुंचा। वर्ल्ड कप के बाद ही मेरे ख्याल से उनको फारिग कर देना चाहिए था, उनके बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़े फैसले उसी वक्त कर लेने चाहिए जब वर्ल्ड कप खत्म होता है। लेकिन अब विकेट कीपर की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आबिद अली के साथ जाना चाहिए, लेकिन आबिद अली के अलावा भी काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास मौजूद है, जैसे कि कामरान अकमल हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, जुल्कर्नैन हैदर जो कि एक बहुत अच्छे विकेट कीपर साबित हो सकते थे। कुछ दिन कबल उन्होंने भी रिटायरमेंट वापस लेने का इंदिया दिया था और कहा था कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने के लिए तैयार हूँ। उनके चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन आबिद अली के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्या मेरे ख्याल से आबिद अली के साथ ही जाया जाएगा अगर सरफराज अहमद की छुट्टी कर दी जाती है। इसके अलावा भी ऑप्शन मौजूद है, कामरान अकमल का ऑप्शन है आपके पास, अब मोहम्मद रिजवान का ऑप्शन, अब देखना होगा कि किसके साथ जाया जाता है। पीसी ताजा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह हतमी फैसला कर लिया कि सरफराज अहमद की टीम और कैप्टनसी दोनों से छुट्टी करा दी जाएगी। साथ ही नया कैप्टन का नेम भी सामने आ चुका है, वो है जनाब पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजहरा करने वाले बाबर आजम साहब। तो हतमी फैसला तो कर दिया है, लेकिन विकेट कीपर के हवाले से अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया। अब आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया विकेट कीपर किसको होना चाहिए। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया विकेट कीपर, वैसे तो ये ओल्ड है कामरान अकमल साहब, इनको होना चाहिए, आबिद अली को होना चाहिए या फिर रिजवान को होना चाहिए। इन तीनों खिलाड़ियों में से आप लोगों ने अपनी राह का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।